आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब श्रेणी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं। Dramatic developments in Haryana in the middle of the Lok Sabha election after three independent MLAs switched from the BJP camp to the Congress side, reducing the BJP-led state government to a minority in the Haryana Assembly. तुम सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति लागू शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। जनता के कहने पे, हल्के की जनता को कहने पे वापिस अपना समर्थन ले। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात सुनती है। कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं, समर्थन हमने वापस लिया है और बाहर से हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। चीफ मिनिस्टर सैनी, हु टुक ओवर द टॉप पोस्ट जस्ट अबाउट 2 मंथ्स बैक, हैड अ गार्डेड रिस्पांस बट डिड नॉट एलैबोरेट ऑन हाउ द बीजेपी प्लान्स टू काउंटर द थ्रेट टू इट्स गवर्नमेंट। पॉलिटिकल डील हुई है कल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चले गए, क्या लगता है? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है, इसको पूरा प्रदेश भी जानता है, पूरा देश भी जानता है कांग्रेस के चरित्र को, कांग्रेस के जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनको पूरा देश जानता है। हरियाणा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, who may have a big role to play as the events in Haryana unfold, has ruled out a fresh test of majority. कि अगर एक बार फ्लोर टेस्ट होता है सरकार का तो वो 6 महीने के अंदर दोबारा फ्लोर टेस्ट के अंदर उसकी हो नहीं सकता, तो ये नियमों में दिया गया है। लेकिन जो भी कोई परिस्थिति सामने आएगी वो जानकारी मिलने के पश्चात ही कोई हम निर्णय करेंगे। A key player in Haryana could be former Deputy Chief Minister and JJP leader Dushyant Chautala, who exited the BJP-led Haryana government before the Lok Sabha polls and has said he will support any move to topple the Saini government. कि आज वो कमजोर हो चुके और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पे प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। ब्लस्टर अपार्ट, नो द बिग क्वेश्चन इन हरियाणा इज हु हैज द नंबर्स विद विजय, राजेश कुमार, दिस्वी ग्रुप सिंह चीना फॉर एनडीटीवी।